हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है एम्प्लॉयमेंट नोटिस एक्स सर्विसमैन के लिए अम्बाड़ा कैंट की। ECHS अम्बाड़ा कैंट की भर्ती है। एक्स सर्विसमैन कॉन्स्टिट्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन सेल्स अम्बाड़ा कैंट 12 से 11 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है। स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मंथ्स की बेस पे रखते हैं, बाद में ईयरली इनको बढ़ा दिया जाता है। ESM वैकेंसी 12 वैकेंसी है। मेडिकल स्टाफ की 3 है, पैरा मेडिकल स्टाफ की 2 है, नॉन मेडिकल स्टाफ की 7 हैं, जिसमें कलर्क चौकीदार फीमेल अटेंडेंट 2, सफाई वाला 1, कलर्क की 1। अप्लीकेशन ऑफ द ESM अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड टू प्रोवाइडेड प्रोविजनल बेस के ऊपर ये भर्ती रहेगी आपकी। एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फॉर्म की PDF और फॉर्म पेज नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल दिया जाएगा। इसका ऑफलाइन जो फॉर्म पेज है वो और दिखा देता हूँ मैं आपको। ECHS अम्बाड़ा, लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म की 30 अप्रैल 2022। चौकीदार अटेंडेंट सफाई वाला व फार्मासिस्ट वैकल्पिक के पदों के ऊपर भर्ती है। चौकीदार 18 से 55 साल आयु रहेगी इनकी। 16,800 वेतन रहेगा। नर्सिंग अटेंडेंट के लिए 28,100 रुपए व फार्मासिस्ट के लिए 28,100 रुपए। चौकीदार के लिए 8वीं पास होना चाहिए। सफाई वाला के लिए पढ़ना लिखना जानता, फीमेल अटेंडेंट के लिए पढ़ना लिखना जानती हो, और क्लर्क के लिए 10वीं पास हो, इलेक्ट्रिकल ट्रेड व कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसमें एक्स सर्विसमैन को पहले प्रायिकता दी जाएगी और बाद में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल के लिए फॉर्म है। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। फॉर्म निःशुल्क है। फॉर्म की लास्ट डेट 30/4/2022 रहेगी। एक्स सर्विसमैन कॉन्स्टिट्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन सेल अम्बाड़ा 133001 के पते के ऊपर आपको फॉर्म भेजना है। फॉर्म के साथ आपको सेक्टर में व्यवसाय की योग्यता के सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, SEMO CMO द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, PPO डिस्चार्ज बुक, अपेक्स टू AO 135/78 प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म में आपको फॉर्म का नाम, पद का नाम और जाति अवश्य लिखनी है। 11 से 12 माह के कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए लिया जाएगा। बाद में इसको बढ़ा भी देंगे। भूतपूर्व सैनिक से होने से प्राथमिकता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर सिविलियंस आवेदकों को नियुक्ति की जाएगी। सिविलियन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर पहले नियुक्ति अगर भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक को मिलेगी। फार्मासिस्ट के लिए सोनीपत, सफाई वाला के लिए गोहाना, नर्सिंग सहायक के लिए यमुनानगर और चौकीदार के लिए यमुनानगर, नारायणगढ़ गोहाना, कलर्क के लिए गोहाना, महिला अटेंडेंट के लिए पानीपत और नारायणगढ़ में नियुक्ति रहेगी। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और न्यू जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।